जंगल में एक 5 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। मासूम का हाथ और गर्दन कपड़े से बंधा हुआ था। ये मामला वाल्या के पाल्या फाइल्या का है। खबर है कि शुभम बुधवार शाम के बाद घर से गायब था। रात भर ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। गुरुवार सुबह जंगल में बकरी चराने वालों ने शुभम की लाश देखी, जिसकी सूचना बेड़िया थाने पर दी गई। टीआई बलदेव मुजालदे ने बताया कि मामला हत्या का है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। शव को सरकारी अस्पताल बेड़िया लाया गया, जहां पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक मुकाती ने बताया कि एक हाई प्रोफाइल केस है। इस शव का पोस्टमार्टम MY हॉस्पिटल इंदौर में स्पेशल डॉक्टर की टीम करेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए पुलिस और परिजन शव को इंदौर लेकर गए हैं।